नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। दोस्तों, आप सबको एक बात बताऊं, मुझे लगता है आप सभी इंतजार में होंगे, हमारा भी टाइम आएगा, मेरा भी वक्त आएगा। वक्त कभी नहीं आएगा दोस्तों, हमें खुद लाना पड़ता है। कैसे? अब देखिए, अब बचपन में कोई एक सपना देखते हैं, आए मैंने ये सपना साकार करूँगा, ये सपना मैं पूरा करूँगा बोल के हम सोचते, फिर बाद में थोड़ा वक्त जाने दो, कोई नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा तो कर लूँगा, फिर उसकी बात, फिर शादी। जवान होते फिर शादी हो जाएंगे, अरे यार चल मैं अपनी परिवार का पहले सेटल करूंगा तो कुछ सेटल हो जाऊंगा, फिर बाद में आगे कर लूंगा, फिर उसकी बात शादी की बात, फिर बच्चे, तो फिर बच्चों के बारे में सोचना, बच्चों को फिर उनके सेटल करना, उनके भविष्य के बारे में सोचना, है ना। फिर बच्चों के सेटल हो गया तो बच्चों की पढ़ाई हो गया, सब हो गया तो बच्चों की सेटल की बात, फिर बच्चों की शादी, फिर बच्चों की शादी की बात, फिर बच्चों की शादी के बाद बच्चों की बच्चा हो गए, तो आप जो सपना देखा था वो अधूरी रह गया ना, वही की वही रह गया ना। फिर बाद में तुम्हारा भी बच्चा हो गया और बच्चे का भी बच्चा हो गया, सबका जिंदगी सवारने में ही आपका जीवन निकल जाता है। फिर जब आखिरी वक्त आता है, जब डॉक्टर आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि इनका वक्त आ गया है जाने का, इनका सेवा करो। फिर आपने जो सपना देखा था वो कहाँ पूरा किया आपने, बताओ? नहीं किया ना, तो इसीलिए, क्योंकि मैं एक उदाहरण और बताऊंगी, ये तो हमारे लोगों में भी यही है, हमारे मंगलमुखी इसमें मतलब किन्नरों में भी यही है, जिंदगी भर बस जोड़ी जाएंगे, अपने भैये भतीजे को देखेंगे, हाँ अपने बहन बांझों के बांझियों की देखेंगे, उनके परिवार को पालेंगे, उनके देखेंगे, उनकी जीवन संवारते, उनके परिवार संवारते, जब बुढ़ापा आ जाते तो अपने बुढ़ापे को देख के रोते हैं किन्नर। सेम वही कहानी होगा आप सबका भी। क्योंकि जीवन जीवन ही होता है, कोई उसकी जीवन अलग नहीं होता है, दूसरों के जीवन अलग नहीं होता है, सबके जीवन में कभी मिठास भी होती है, कभी कड़वाई भी होती है, तो दोनों को साथ में हम घोट के पीना पड़ता है ना, जो मिठास है उसको भी हमें पीना पड़ता है और जो कड़वाई है उसको भी पीना पड़ता है, मतलब जीवन के अंदर, हमारी जीवन में जो जिंदगी में जो भी दिन आता है सब कुछ फेस करना पड़ता है, मगर जो सपना है, जो हमारा मन जो कहता है, जो इच्छा रखता है, उस इच्छा को खुल के जियो। कल का कल देखेंगे, कोई बात नहीं। अगर आपका मन कहेगा तो मुझे वो खाना है, मुझे वहाँ घूमना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे बर्फीली पहाड़ों में जाना है, तो जाके आ जाओ, कल कौन देखा, है ना, जाके आओ और अपने जीवन को कुछ अलग तरीके से जियो, अपने लिए भी जियो, जीना चाहिए ना। अरे बाबा, कुछ लोग पता नहीं सोमड़े लोग भी होते, मैं सबको नहीं कहती हूँ, सोमड़े लोग भी होते, जैसे जोड़ जोड़ के प्रॉपर्टी बना लिए, है ना, और सोना बना लिए, और इसके साथ साथ बैंक बैलेंस बना लिए, तो बड़ों का कहना क्या है पता है, सोमड़े का माल शैतान खाता है। पता है, सच्ची है, इसके लिए अपने जीवन, अपने लिए भी, अपने जीवन के लिए भी जीना जरूरी है और खुल के जीना जरूरी है। कभी कभार अपने मन की जो सपना है, जो हमारे मन जो कहा है, उसको पूरा करना भी जरूरी है दोस्तों, उसी को ही जीवन कहते हैं, है ना।
इसीलिए कहती हूँ जो थोड़ा ही सही उसी में ही संतुष्ट होके हम अपने मन खुश करना जरूरी है, तभी हम जिएंगे और आगे को जीने की राह बदलाव जब भी आएगा हमारे जीवन में, अच्छे दिन जब भी आएगा जो हम अपने मन को सुकून रखेंगे, अपने मन को खुश रखेंगे, अपने आप को खुश होएंगे, जब भी तो अच्छे दिन आएगी ना, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, उसमें भी हमें संतुष्ट होना जरूरी है। संतुष्ट होना जरूरी भी है और उसके साथ साथ अपने जीवन को खुल के जीना जरूरी है। कैसा लगा दोस्तों? इसीलिए आज से और अभी से आप अपने मन का भी सुनो और मन जो कहता है जो सच्चा और अच्छा ही होगा। मन जो कहता है तो सच्चा और अच्छा ही होगा, क्योंकि मन तो मन होता है, एक कुछ मन ऐसा होता है, चंचल मन भी होता है, मगर आपको लग जाएगा कि नहीं ये सही है ये गलत है ना। सोच समझ के हमें कदम उठाना है और हम अपने लिए भी कुछ वक्त देना जरूरी है और अपने लिए भी जीना जरूरी है यारो। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।